Hello, Vacho. Let us read the question. You are given two converging lenses of focal length 1.25 cm and 5 cm to design a compound microscope. If it is desired to have a magnification of 30, find out the separation between the objective and the eyepiece. So, इन दिस क्वेश्चन हमें हमारे पास गिवन है दो कन्वर्जिंग लेंसेज जिनकी फोकल लेंथ है 1.25 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और हमें बनाना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन हमें चाहिए वो होना चाहिए 30 तो हमें फाइंड करना है सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस तो द की कॉन्सेप्ट जो हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं वो है मैग्निफिकेशन का सो इट इज डिफाइंड एज द इन इनलार्जमेंट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो मैग्निफिकेशन से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो इमेज फॉर्मड हुई है वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है सो मैग्निफिकेशन ड्यू टू द ऑब्जेक्टिव लेंस विच इज इक्वल टू एम मैग्निफिकेशन को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं विच विल बी इक्वल टू वी नॉट अपॉन माइनस ऑफ यू नॉट सो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्लोज क्लोज है लेंस के तो ऑब्जेक्ट इज क्लोज सो जो हमारा यू नॉट है वो इक्वल हो जाएगा एफ नॉट के बराबर यानी फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस और वी है हमारा इक्वल टू एल अब एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई पीस तो ये हमें ट्यूब लेंथ भी कह सकते हैं तो एम नॉट विल बी इक्वल टू एल बाय एफ नॉट और अब हम देख लेते हैं मैग्निफिकेशन जो कि प्रोड्यूस हो रही है बाय आई पीस सो द मैग्निफिकेशन ड्यू टू आई आई लेंस विल बी इक्वल टू जिसको कि हम एम ई e से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट विल बी इक्वल टू वन प्लस डी बाय एफ ई एंड डी इज इक्वल टू क्या होता है डी डी है ह्यूमन आईज जो होती हैं उनमें जो डिस्टेंस रिक्वायर होती है फॉर क्लियर विजन वो है डी सो डी इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर फॉर ह्यूमन आइज तो ये हमारे पास में हो गया मैग्निफिकेशन ड्यू टू आई लेंस सो द टोटल मैग्निफिकेशन जो कि एम इज इक्वल टू एम नॉट इन टू एम ई तो एम नॉट है एल वाई एफ नॉट और एम ई e है वन प्लस डी बाई एफ ई तो यहाँ पे हम वैल्यूज जो है हमारे पास में एफ नॉट और एफ ई दैट विल बी इक्वल टू F नॉट है हमारे पास में वन पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर और एफ ई है एफ ई इज़ इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर और d गिवन है d हमने पता है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर और l की वैल्यू हमें फाइन करनी है और कैपिटल M हमें मैग्निफिकेशन चाहिए थर्टी का तो पुटिंग ऑल दिस वैल्यू थर्टी इज इक्वल टू l अपॉन एफ नॉट यानि कि वन पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस ट्वेंटी फाइव बाई एफ ई यानी कि फाइव सेंटीमीटर ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट Thirty is equal to L upon one point two five multiplied by one plus twenty five by five is six. So L will be equal to thirty into one point two five divided by six, and that will be equal to. Kya ho we will have six point two five centimeter. सो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा था फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस दैट इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक